नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत राजा और पंचायत के ग्राम पछियाड़ी में सर्वेक्षण किया गया तो मुखिया के द्वारा किस प्रकार का विकास किया। वहां पर जाने पर पता चला कि मुखिया के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। शौचालय लोगों के द्वारा बनवा लिया गया और पैसा निकालने के लिए उनको चेक दिया और बोला कि मिनी बैंक से निकलेगा। फिर वहां जाने पर पता चलता है कि चेक गलत है। अब यह बात वहां के पदाधिकारियों से बात की गई तो वहां पर जो पदाधिकारी हैं वो ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों से उनकी राय जानी गई। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बड़ा प्रसाद। क्या बोलना चाह रहे? मैं बोलना चाह रहा हूँ यही है कि बच्चे लोग देखता हूँ तो हरा तरफ खेल रहा है और भी मास्टर लोग कहीं भी अपना टाइम पर आता है, अपना अथी हाजिरी बना चला जाता है। और भी कोई शिक्षा वाला अगर पूछे तो कोई शिक्षा बच्चा नहीं बताता। स्कूल बढ़िया से नहीं चल रहा है, है? वो ड्यूटी पर जाता है, ड्यूटी के बाद में बच्चा सब इधर उधर घूम रहा है बस। और मुखिया सरपंच को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, काम नहीं दिया, एक रुपया तो नहीं। कोई काम मतलब कोई काम नहीं दिया, कोई मुखिया नहीं दिया, मेरा कुछ नहीं मिल रहा सर। बाथरूम बना लेम कोई एक रुपया दल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अनीता चौधरी। अनीता चौधरी, हाँ। क्या बोलना चाह रहे? बाथरूम बना के सर एक रुपया नहीं दल के 14,000। हाँ, 14,000 शुद्ध पर उठा कर बाथरूम बन गए, भल राशन बंद कर देंगे नहीं बाथरूम बनाएगा। अच्छा, डर सती बाथरूम बने लिए 14,000 शुद्ध पर लेके एक रुपया दल को भल 12,000 मिलेगा। मतलब बाथरूम बना दिए उसके बाद पैसा दिया ही नहीं? नहीं, एक रुपया नहीं दल को, नकली चेक दल को घुरा फिर ले लल को। नकली चेक दिया फिर घुरा करके ले लिया? ले लल की मुखिया जी। तो ये जो पैसा जो अकाउंट में आता है तो मुखिया जी के अकाउंट में आया था, आपके अकाउंट में आया? ना, ये पैसे नहीं ले, पैसे नहीं आया, एक रुपया नहीं ले। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, ऊपर के पदाधिकारी से मिल के उन लोगों को पैसा नहीं मिला, एक रुपया नहीं सर बाथरूम के पैसा। ठीक है जी, ओके कीजिए। ये बताइए कि मुखिया जी आपको क्या क्या चीज दिए हैं? कुछ सुंदर को कुछ नहीं झार के बोले तो नहीं के मान जोर से बोले एक बार सुंदर को घर द्वार को राजा है तो कहिए तो राजा है और राजा हमरा बड़ा तो ही डाबरी वोट मांगे लेखी तो देबो ना वोटवा वहाँ इलेक्शन के बारी आ गया जो आप लोग का काम करेगा। ठीक है, ये नहीं कि अपना पॉकेट भरे मुखिया जी, वैसे मुखिया को नहीं चुनना है। ठीक है, माटी के घर ऐसे मांग रही है से लोग, आप लोग इधर आइए, उधर नहीं इधर आइए, ये करी होल बाथरूम के पैसा सब रख लिया है और जो चेक भंजाइया है तो चेक मनी लिख दिया है गलती, चेक मनी वहाँ मनी बैंक मनी पैसा मिल जाएगा, चेक ले ले जाना, ले ले गए से चेक गलती दिया तो वहाँ क्या कहा है कि जाओ जो चेक तुमको भंजा दिया, जो चेक काट के दिया है वही मुखिया ही ले ले जाओ, तो वही मुखिया हम ले ले आए हैं कि चेक तुमको अभी नहीं भंजेगा से बाद में भंजेगा से भी रखो। अभी बाथरूम ऐसे खाली बना दिए हैं, बाकी ढके उके नहीं है, ऐसी हमको ही गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, है तो ज़्यादा बाकी गरीब है। जैसे आपका कहना ये हो गया कि मुखिया जी बाथरूम दिए हैं, हाँ। अब बाथरूम दिए हैं तो उसमें आप बनाए हैं, अब चेक काट के दे दिए मुखिया जी, हाँ। अब आप चेक जहाँ लेकर के भंजाने के लिए उस जगह पर नहीं भंजा, नहीं भाई, तो आपका पैसा मतलब बाथरूम का अभी नहीं निकला है ना? नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात हम कोल्ली भी नहीं देता है कि नहीं किया कि तू राजा है कि कोल्ली हम से बड़ा तू है कट मुखिया है चिट्ठी काटे वाला मुखिया। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी को भैंसुर लगता है, हम नहीं परमेश्वर शर्मा ठाकुर जी, क्या नाम है आपके? बोले परमेश्वर शर्मा, परमेश्वर शर्मा ठाकुर और कोई बोल, बाकी क्या नाम हुआ आपका? शांति
शांति देवी क्या बोलना चाह रहे हैं? वो है बाथरूम में बना दल को घर से पैसा छो सो ले लको घर से छो सो रुपया दिया है हमरा से जितना बात ध्यान दो रहा हम लोग पैसा दे पैसा निकाल आ मिल बन के वो है कर हां पैसा तो नहीं है के ऐसे लान खाने यहां पैसा लगता वहां पैसा लगता जनसेवक लिया है उसका नाम उम जानते हैं आप लोग तीन चार हजार रुपया ले लिया है क्या घुसवा पुरनका तिवारी जी की पंचायत का नाम नहीं जानता है सोलो डिलो वही लिया जनसभा जो है सरकार से ऊपर के पदाधिकारी से यही मांग करना चाहेंगे ये लोग गरीब दुखी आदमी है ये लोग का जो है इसे लकड़ी बेच कर गुजारा करते हैं और यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है उसके बाद इनका काम नहीं किया गया तो हम खास करके पदाधिकारियों से ये बोलना चाहेंगे कि इन लोगों का जो काम के लिए पैसा लिया गया था वो इनका काम होना चाहिए नहीं तो मैं फिर अपनी इस बात को इनकी बात को मैं ऊपर तक ले जाऊंगा नहीं तो मैं उपायुक्त से जाकर के बात करूंगा ठीक है इस चीज का ध्यान आप लोग के द्वारा दिया जाए खास करके मुखिया जी के द्वारा देते हैं और लोगों से बातचीत कर करके यहाँ पर और कुछ लोग हैं अरे भागने दो ठीक है इधर आइए क्या नाम हुआ आपका बोल रहे हैं यहाँ मुखिया के द्वारा कैसा है मतलब काम किया गया है हम लोग के पंचायत में यही हाल खराब है कि मुखिया और जिला परिषद में कोई देखने वाला नहीं है इधर कोई भी है मेरे में नदिया के पार का है ना मुखिया हो सरपंच हो जिला वाला है उप मुखिया है कोई नहीं देखने वाला है हम लोग कमाए खाए मुखिया जीत गया अपना वो लेक बैठ गया हम लोग अपन झेलते रहिए बस यही है कर्जा जो कहूँ से कर्जा हो रहा मालिक हले से मरी अरे पहले 14 होता है कहां ले ले ठीक है बातचीत करेंगे आप कोई बोलना चाहते हैं इधर आ सकते हैं आप बोल रहे हैं तो बोलो ना क्या बोलना सर बोलता कि बोले वो देखो बोल रहा है कि हमको घर नहीं है ठीक बोलता है तो कोची के मुखिया बाल बच्चा के एक कोठर के घर आखिर बाल बच्चा के दिन भर दिन रात भर पानी बरसात रह जाए तो रात भर में बैठन ध्यान करो परिवार पाले देखो ये झोपड़िया में रोए वाला बच्चा लेकर नहीं मिल रहे गरीब आदमी कमाइए तब खाए
क्या नाम हुआ आपका? क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे कि छोटे छोटे हमारे बाल बच्चा है, हम विधवा हो गए, हमारे विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। छोटा छोटा बच्चा भी है, खाने और कमाने लगो ने उसका देने वाला है। छोटा छोटा बच्चा है मतलब आवेदन ले जाकर मुखिया जी को दिए थे क्या? हाँ, मैं हमारा कर दिया। बोलने मुझे दिया है? कुछ नहीं दिया है। छोटे छोटे लड़को यार है, देखो अपने लड़के का आखिर खाने लगा। तीन इंद्रावास तो नहीं मिला। इंद्रावास कहाँ मिलेगा? कोई चीज नहीं देगा, पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं हमको कहाँ मिलेगा, हमको कहाँ मिलेगा। जिला परिषद का रहे महेंद्र साहब, वही हाल है। कोई ना देखने भागने वाला है, जीत गया अपना चल गया है उधर अपना पढ़ा रहा, जानता मरे ना बच्चे, नहीं हाल है। चलिए ठीक है, और देखता हूँ। क्या नाम हुआ? कसके बोलिए, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? लगा कहीं वही हाल है। क्या हाल है बताइए अपना हाल। मुखिया तो गया था, मतलब कुछ नहीं दिया। 60 साल आपका हो गया है? हाँ सर। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पेपर छापता है क्या? चलिए अच्छा है, आप लोग बोले 60 से बेसी जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका साथ, मेरा साथ देने के लिए। ठीक है। सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।